गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैड कंप्लीट द ट्रू फॉल्स फ्रॉम द चैप्टर 9, इट्स रेनिंग. आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू हैड डन दीज न्यू ट्रू फॉल्स इन योर ईवीएस नोटबुक. स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैजिक from this chapter. Let's start. Fill in the blanks. Number one is, Appu knew that the banana tree needed water because they were. Appu को पता चलता है कि जो banana tree है वो क्या हो रहे हैं, को किन की नीड है, banana tree को किस चीज़ की नीड है, water की. Because क्यों? They were क्या हो रहे थे, वो ड्रॉप हो रहे थे, ड्रूपिंग हो रहे थे, मतलब सूख रहे थे. तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज दे वर ड्रोपिंग, DROPING, ड्रोपिंग. ओके, नेक्स्ट फिलअप है हमारा नंबर टू. अप्पू गेट्स डैश फ्रॉम द बनाना ट्री. अप्पू बनाना ट्री से क्या लेता है, मतलब क्या मिलता है अप्पू को बनाना ट्री से? अप्पू बनाना ट्री से बनानाज लेता है, उसको बनानाज बहुत पसंद है. तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, बनानाज, BANANAS, बनानाज. अप्पू गेट्स बनानाज फ्रॉम द बनाना ट्री. अप्पू बनानाज लेता है या खाता है तोड़कर, कहाँ से? बनाना ट्री से. ओके, नेक्स्ट इज नंबर थ्री. अप्पू बाथ हिज बॉडी बाय पोरिंग वाटर ऑन इट्स बाय यूजिंग हिज, मतलब वो बात करता है, अप्पू नहाता है अपनी बॉडी को, के ऊपर पानी डालता है, पोरिंग करता है, गीला करता है अपनी बॉडी को, वाटर डालता है ऑन इट्स बाय यूजिंग, किसका यूज़ करके, हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक का यूज़ करके, जो अप्पू की जो ट्रंक थी, सूंड थी, उसका यूज़ करके अप्पू अपनी बॉडी के ऊपर पानी डालता है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक. अप्पू बाथ हिज बॉडी बाय पोरिंग वाटर ऑन इट बाय यूजिंग हिज ट्रंक. ओके, नेक्स्ट नंबर फोर. प्लांट्स नीड डैश फॉर लिविंग. प्लांट्स को जिंदा लिविंग रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर लिखेंगे WATER, वाटर. प्लांट्स नीड वाटर फॉर लिविंग. नेक्स्ट नंबर फाइव. व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, प्लांट्स गेट अ डैश लुक. प्लांट्स कैसे लुक में आ जाते हैं, प्लांट्स एकदम फ्रेश लुक में आ जाते हैं, एकदम हरे भरे हो जाते हैं. देखा है ना बरसात के मौसम में, अभी देखिए बरसात चल रही है, आप बाहर की तरफ देखेंगे छोटे छोटे प्लांट्स जो है ना हरे भरे हो जाते हैं, है ना. हम अपने अपने ऊपर जो आपने घर में प्लांट्स लगाए हुए होंगे उनको भी जाकर देखिए, एकदम से एकदम हरे भरे हो गए होंगे, सारे खिले हुए होंगे, तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एकदम से पानी मिलता रहता है बारिश के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रेश लिखेंगे, FRESH, फ्रेश. व्हेन इट रेन्स प्लांट्स गेट अ फ्रेश लुक. Okay, I hope you understood these fill-ups. Now we will do matching. Let's start. हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. ओके, नंबर वन. अप्पू ट्रंक. अप्पू अपनी ट्रंक का किस चीज से यूज करता है, स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए, है ना. बनाना ट्री, बनाना ट्री का क्या होता है, बनाना ट्री हमें क्या देते हैं, गिव बनानास. क्लाउड्स सम टाइम कम एंड गो वेरी क्विकली, कभी कभी आते हैं और जल्दी से चले भी जाते हैं. पेपर बोट फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर के ऊपर फ्लोट होती है, मतलब तैरती है. ओके, ये जो मैचिंग है मैंने बता दिए हैं, इनको आप खुद से करोगे. ओके, ये अपनी नोटबुक में जब आप करोगे, मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, मैं इसीलिए रुकी हुई हूँ वहाँ पर कि आप अच्छे से देख लें, समझ लें, उसको आपको अपनी नोटबुक में खुद से मैच करना है. ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस वर्क. नाउ यू विल डू दिस वर्क इन योर ईवीएस नोटबुक नीटली. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स.